नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले दो वीडियोस से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। इसी कड़ी में आज की चर्चा का विषय है इतिहास और मनोविज्ञान के बीच संबंध। मित्रों, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। हम सब के मन में तरह तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं और मानव मन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता रहता है और इन सब बातों का, हमारे मन में जो क्रियाएं चलती रहती हैं, हम जिन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते रहते हैं, इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। इतिहास और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। इतिहास का सही ढंग से अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हमें मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी हो, क्योंकि इतिहास में भी ढेर सारे पात्र होते हैं, ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ढेर सारे चरित्र होते हैं और उन सब के मन में क्या बात चल रही होती है, उनके मन की क्या अवस्थाएं हैं, इनको जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात एक सफल इतिहासकार वही हो सकता है जो मानव मन को पढ़ने की क्षमता रखता हो। इतिहासकार मानव समाज का अध्ययन करता है, उसके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है। तो यह उसका दायित्व है इतिहासकार का कि आखिर उसके इन सारे क्रियाकलापों के पीछे क्या उद्देश्य है, उनका मोटिव क्या है, और यह जानने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है, तभी हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हमें सोशल साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम एक अच्छे इतिहासकार बनना चाहते हैं तो सोशल साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। समाज के मन में किसी बात को लेकर के, किसी घटना को लेकर के क्या चल रहा होता है, इनका अध्ययन एक इतिहासकार करता है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि पूरे समाज के मन में क्या चल रहा है, समाज किसी बात के बारे में क्या सोचता है, इसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे आप आजकल का उदाहरण ले लीजिए, आजकल भारत और चीन के बीच में तनावपूर्ण संबंध है। चीन भारत के साथ क्या, बल्कि पूरी दुनिया के साथ एक मनोवैज्ञानिक गेम, जिसे कहते हैं एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। वो इस तरह की बातें कर रहा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे देशों के ऊपर इसका असर पड़े और वो उससे डरें और धीरे धीरे उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लें। लेकिन जो उसके मनोविज्ञान को समझते हैं वो इस चाल में नहीं आते हैं। मित्रों, इतिहासकार जो इतिहास लेखन का काम करता है, वो भी कई बार अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण कुछ भूले कर बैठता है। आप जानते हैं कि इतिहासकार अपने परिवेश की उपज होता है। जिस परिवेश में वो पला रहता है, बढ़ा रहता है, जिसमें उसका पालन पोषण हुआ रहता है, उस परिवेश का असर उसके ऊपर रहता है। परिवेश से छूट पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि कई बार जब वह किसी विषय को चुनता है, जिस विषय को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि उनके वर्णन में वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है, साथ ही साथ उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है, अर्थात वह वस्तुनिष्ठता से समझौता कर लेता है। तो इसलिए इतिहासकार भी कभी कभी अपने परिवेश का शिकार हो जाता है। यहाँ जो मनोविज्ञान काम करता है, वो मनोविज्ञान उसके परिवेश की उपज होता है। इसी तरह से मित्रों, ऐतिहासिक चरित्रों का जब हम मूल्यांकन करने लगते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक चरित्र हुए हैं जिनका हम मूल्यांकन करते हैं, वो चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे समुद्रगुप्त हो,
चाहे अगर आप यूरोप के इतिहास में देखें, आप तो यूरोप के इतिहास में नेपोलियन की बात करें, मेटरनिक की बात करें, हम बिस्मार्क की बात करें, हम हिटलर की बात करें, मुसोलिनी की बात करें, तो बहुत सारे जो चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं, जब हम उनका विश्लेषण करने लगते हैं तो उनका विश्लेषण करते समय हमें उनके मन के अंदर जाना होता है, उनके मन में क्या चल रहा है। बाहर उन्होंने हम उनकी बाह्य नीतियों के बारे में तो पढ़ लेते हैं कि इनकी गृह नीति ऐसी थी, इनकी विदेश नीति ऐसी थी, लेकिन जब हम उनका व्यक्तिगत रूप से उनका मूल्यांकन करते हैं तो हमें यहाँ उनके मन के अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी दो दुनिया होती है। एक दुनिया तो ऐसी होती है जिसमें बाहर उसके सगे संबंधी, भाई बंधु, मित्र, यार दोस्त सब होते हैं, लेकिन एक दुनिया ऐसी होती है जो उसकी अपनी दुनिया होती है, जिसमें वो अकेला होता है, जिसमें उसकी अपनी सोच होती है। तो इनको समझने, किसी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी चरित्र को समझने के लिए हमें उसके मनोविज्ञान को समझना होगा। इतिहासकार अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के जो इतिहासकार थे, अगर आप देखें तो युद्ध के कारणों पर ज़्यादा जोर दिया करते थे, युद्ध के कारणों को जानने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन उसके परिणामों के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन यह आधुनिक युग में ऐसा नहीं है, आधुनिक युग में स्थिति बदल चुकी है। अब किसी भी घटना का दूरगामी परिणाम क्या होता है, उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा। अब जैसे आप देखें तो बहुत सारे जो युद्ध हुए, बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं विश्व इतिहास में, उनका असर बहुत लंबे समय तक देखा जा सकता है। वो चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे वो दुनिया का दो गुटों में बंट जाना हो, इस तरह की तमाम बातें होती रहती, उनके पीछे कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिनसे आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक उसका असर पड़ता है। मित्रों, बहुत सारे मनोविज्ञान जो है वो समूह के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में तो जो चल ही रहा है, एक पूरे समाज के मन में क्या चल रहा है, एक पूरे राष्ट्र के मन में क्या चल रहा है, इसका भी निर्धारण करता है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी विशेष वाद से ग्रस्त हो जाते हैं, कभी हम राष्ट्रवाद से ग्रस्त हो जाते हैं, कभी हम उग्र राष्ट्रवाद से ग्रस्त हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा समाज, कभी कभी पूरा समाज जो है युद्ध के उन्माद में फंस जाता है, वो चाहता है कि युद्ध हो जाए, कभी कभी पूरा समाज इसी तरह से किसी न किसी आंदोलन से जुड़ जाता है, कभी समाज में क्रांतियां हो जाती हैं। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए समूह मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक हम समूह मनोविज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रख पाएंगे, तब तक हम इन सब के बारे में बात नहीं कर सकते, इनके बारे में हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आज आप देखिए राष्ट्रवादी विचारधारा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति हिलोरे मारने लगता है तो राष्ट्रवादी विचारधारा के हो जाते हैं। आतंकवाद से ग्रस्त जो आजकल के बहुत सारे युवा हैं, उनका किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका मनोविज्ञान कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है, उनके मनों में क्या चल रहा है, उनको ये लगता है कि हम मार काट करके ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक उत्सित मनोविज्ञान इसे कहा जा सकता है, आतंकवाद को। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, तरह तरह की बातें हैं। तो ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जो लोगों के मनों में घर कर लेता है और उनको ये लगता है कि बस हमारी ही विचारधारा सही है। दुनिया भर में बहुत सारी विचारधाराएं, कहीं कोई पूंजीवाद को अच्छा मानता है, कोई समाजवाद को अच्छा मानता है, कोई मार्क्सवादी है, कोई किसी और वाद में विश्वास रखता है, तो सबके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान और इतिहास के बीच में बहुत गहरा संबंध है, और अगर इतिहास को सही ढंग से समझना है तो इतिहास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। उम्मीद है कि
आपको आज की ये बहुत ही अति संक्षिप्त चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट अवश्य करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।